दादा आप कहाँ से आए? पोटलवाड़ी से। अच्छा पोटलवाड़ी से। ये क्या दवाई स्प्रे किया? दवाई स्प्रे किया। अच्छा अच्छा, अभी घर जा रहा है? क्योंकि शाम हो रहा है इसलिए ये गाय को भी साथ में ले जा रहा है। देखिए कितना तकलीफ उठ रहा है ये भाई साहब। ये है दादी जी। दादी जी बाय बाय। बाय बाय। एक मिनट एक मिनट, ये क्या कहती है? पोटल भी है। ये कौन सा दवाई दे रहा है, स्प्रे कर रहा है? ज्यादा दवाई होता है। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा? कब से दे रहा है आप? कब से दे रहा है आप? कितना टाइम से दे रहा है? गाइस मैं जा रहा है अब खेत में। देखिए ये धान खेती के बीच से जा रहे हैं। आगे देखिए ये सामने, धीरे उठना पड़ेगा भाई। क्या गिर जाएगा, गिर जाएगा। नहीं गिरा। पास ये आ गया और एक खेत। देखिए आप लोग, पहले बात करता हूँ उसके बाद आप लोगों को पूरा चारों तरफ दिखाऊंगा। दोस्तों उस साइड में जाना पड़ेगा ताकि ये जो किसान भाई साहब हैं उससे बात करते हैं। चलो 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 चलो, इतना स्पीड से काम कर रहा है भाई, क्या बताऊं। टैंकी में क्या लिखे हुए, स्प्रे मशीन है। और ये किसान भाई साहब ये काम कर रहा है, इसके पास टाइम ही नहीं है मेरे इधर देखने के लिए, मेरे तरफ देखने के लिए टाइम ही नहीं है। फिर क्या बताऊं, आगे जाना पड़ेगा। चलिए आगे जाना पड़ेगा। एक बार पूछा देखने के लिए तो मना कर दिया और बोला कि टाइम नहीं है मेरे पास देखने के लिए। ये देखिए, एक मिनट, ये जो ये क्या कहती है? पोटल भी है। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा दवाई दे रहा है, आप स्प्रे कर रहा है? ज़्यादा दवाई होता है। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा, कब से दे रहा है आप? कितना टाइम से दे रहा है, काम कर रहा है? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा हो गया या अभी तो खत्म नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, तो और कितना दूर बाकी है? बहुत दूर बाकी है। अच्छा उधर भी बाकी है ना, तो अच्छा अच्छा, तो अभी तो ये शाम होने वाला है, रात में कैसे आप काम करेंगे इधर खेत में? तो इधर जाएगा ना आप? अच्छा इधर जाएगा, तो ठीक है। तो अगर रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो कैसे काम करेगा आप? तो लाइट तो उस टाइम तो लाइट नहीं होगा ना, तो अंदर में तो काम नहीं कर सकते, इसीलिए अब आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखिए दोस्त लोग, ये भाई साहब कितने टाइम से काम कर रहा है, ये 4-5 घंटा हो गया फिर भी अभी स्प्रे अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये जो किशन भाई है, इसके पीठ में देखिए, ये शोल्डर में देखिए, ये कितना वेट, इतना इसमें कितना लीटर पानी आता है? 16 लीटर। अच्छा 16 लीटर पानी आता है। 16 लीटर, ये 4-5 घंटे से ये 16 लीटर पानी, कितने बार आप ये 16 लीटर पानी आप ये टैंकी भरती किया? कितना टाइम, मतलब कितने बार? 4-5 बार। अच्छा 4-5 बार कंटिन्यू, 4-5 बार होता है, क्योंकि ये एक जो ये स्प्रे मशीन है इसमें एक बार में ये स्प्रे करना नहीं होता है, क्योंकि अभी जो थोड़ा करता है उसमें उसके बाद ये टैंकी खाली हो जाता है, मतलब टैंकी ख़त्म हो जाता है ये स्प्रे जो दवाई है, तो उसके बाद और पानी भरना है और मेडिसिन भरना है, उसके बाद फिर ये स्प्रे करना है। तो दोस्तों आप सोचिए ये कितना टाइम से ये मतलब ये टैंकी ये शॉर्ट में लेके ये काम कर रहा है, तो कितना दिक्कत हो रहा है, मतलब कितना दर्द होगा, जैसे कि आप करेंगे तो पता चलेगा आपको कितना मतलब दर्द महसूस होगा आपको, आप करेंगे तो मालूम होगा। तो देखिए कितना रनिंग कर रहा है काम। धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कष्ट कर रहा है ये किशन भाई, और किसान का काम ऐसा ही होता है, जो कृषि काम करता है तो उसको तो तकलीफ उठाना ही पड़ता है। ऐसे किसान भाई लोगों का, जैसे कि ये खाली पैर है, देखिए आपको दिखाता हूँ, ये पैर देखिए एकदम पूरा खाली पैर है, ये टावल लपट लिया और एक शर्ट पहना, फिर बटन भी नहीं मारा, ये टैंकी शॉर्ट में लेके क्या स्प्रे कर रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो स्प्रे कर रहा है आप, तो ये किस लिए कर रहा है, मतलब किस चीज़ के लिए स्प्रे कर रहा है? पोटल। नहीं ये पोटल तो है, ये जो स्प्रे कर रहा है आप, मेडिसिन दे रहा है? बड़ा होगा या और नहीं,
अच्छा पोक भी नहीं लगेगा। अच्छा और अच्छा फसल अच्छा होता है। ज्यादा होगा ना कम होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। 5 क्विंटल होगा, 5 क्विंटल। ये जो खेत है इसमें 5 क्विंटल निकलता है? तो बाजार में तो प्रॉफिट मिलता है अभी? 25 किलो। ये होलसेल सेल करता है आप लोग? अच्छा ये जो रिटेल करता है जैसे कि ये बाजार में लेके जाता है और बैठ के बेचता है, ये ऐसे नहीं करता आप? ऐसे बोरी भर्ती करता है 4 क्विंटल 5 क्विंटल ये सब एकदम गाड़ी में ले जाता है और सेल कर देता है डायरेक्ट? अच्छा 2-4 रुपया कमती होगा तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि बैठ के अगर ये किचन भाई ने बाज़ार में अगर बेचेगा तो इसका टाइम बहुत स्पेंड हो जाएगा, जैसे कि बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। इसलिए वो लोग डायरेक्ट होलसेल सेल करता है क्योंकि उन लोगों का टाइम निकलता है और जल्दी जल्दी घर आ सकता है, जल्दी जल्दी घर आके काम कर सकता है, जैसे कि गाय है भैंस है ये सब चीज़ों को संभाल सकता है। अच्छा तो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे काम करते रहिए। मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे काम करते रहें और ये देश का भला करें। और दोस्त आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल लगाया इसमें देखो कितना आया, अगर ये मेडिसिन दिया तो और कितना आएगा, 1, 7, 4, 5 देखिए। ठीक है भाई साहब चलते हैं फिर, बाय बाय। इधर देखिए चलते हैं फिर, बाय बाय। तो एक बार आपको आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे जो देख रहा है ये अभी आप लोगों को दिखाया, तो कितना मतलब कितना एरिया होगा यहाँ पे? ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि वो जो भाई साहब बोला था कि 4-5 क्विंटल ये बाज़ार में बिक्री करता है हर बाज़ार में, तो ऐसे बहुत प्रॉफिट होता है ये। अच्छा है ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों मेरे साथ चलिए, मैं अगला एक खेत में ले जा रहा हूँ ये पटल का। ये बहुत बड़ा है खेत, तो वहाँ पे इसका मालिक भी है, तो एक बार बात करते हैं चलिए मेरे साथ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक दादी है, ये खेतों में घास हुआ है तो गाय के लिए ये घास निकल रहे हैं, क्योंकि ये घास कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो धान खेती है इसमें घास निकला है वही घास गाय के लिए ये उठा रहा है। ये है दादी जी, दादी जी बाय बाय। बाय बाय। ये देखिए एकदम पूरा बॉडी भर्ती कर दिया। दादा आप कहाँ से आए? पोटलवाड़ी से। अच्छा पोटलवाड़ी से। ये क्या दवाई स्प्रे किया? दवाई स्प्रे किया। अच्छा अच्छा अभी घर जा रहा है? क्योंकि शाम हो रहा है इसलिए ये गाय को भी साथ में ले जा रहा है। देखिए कितना तकलीफ उठ रहा है ये भाई साहब, ये बहुत तकलीफ है ना? अच्छा अच्छा तो देखिए ये स्प्रे मशीन भी उठाना पड़ता है, ये साथ में गाय भी ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों आगे आपको दिखाता हूँ, अभी देख सकते हैं अभी मेरे सामने ये पहले जो आपको आप लोगों को दिखाया ये सब्जी कितना अच्छा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ दोस्तों, इजाज़त दीजिए और मेरे साथ में रहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।